गलत काम हुए, भ्रष्टाचार हुए, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, इस वजह से ये नगरपालिका में माहौल खराब करने का पूरा षड्यंत्र के तहत इनके करीबी पार्षदों से ये सब नाटक करा रहे हैं। झांसी के मऊरानीपुर में नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा 3 पार्षदों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। वहीं आरोपी पार्षदों द्वारा पालिका अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए थे, जिसके जवाब में आज नगरपालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास व प्रतिनिधि आई श्रीवास ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि उक्त पार्षद जुआ सट्टा खिलाकर क्षेत्र के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्षद गलत कार्य कराने का दबाव बना रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान विधायक पर भी विकास कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप लगाए हैं। आयुष श्रीवास ने बताया कि मऊरानीपुर की जनता ने 20 साल से काविज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है, जिन्होंने 20 साल में पालिका को 9 करोड़ रुपए का घाटा पहुंचाया। ऐसी स्थिति में भी नगर में विकास कार्य लगातार जारी हैं और नगर को सबसे सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं नहीं चाहते कि अगर पालिका का विकास हो, इसीलिए बार बार कार्य में अड़ंगा डालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी यहां आए हैं और हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और जिस तरीके से देश का और प्रदेश का विकास निरंतर हो रहा है, उसी के साथ मऊरानीपुर का भी विकास करने में जो हमारी सरकार पूरा सहयोग कर रही है, मऊरानीपुर को विकास के कार्य को आगे ले बढ़ाने के लिए हम लोग निरंतर काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें कुछ लोग जो भाजपा के विपरीत मानसिकता के पार्षद हैं, वो विकास को रोकने का, उसमें सेंध लगाने का कार्य कर रहे हैं। चूंकि 20 वर्षों से मऊरानीपुर नगर पालिका समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी, तो जिस प्रकार से नगर पालिका में गलत काम हुए, भ्रष्टाचार हुए, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, कई अवैध संपत्तियां, नगर पालिका की जो ज़मीनें थीं उनको बेचा गया और तमाम ऐसे काफ़ी लंबी लिस्ट है जो 20 वर्षों में नगर पालिका में गलत काम हुए हैं, चाहे वो हमारी गौ माता की, हजारों गौ माताओं की हत्या की हो, तो उन सब 20 सालों से नगर पालिका समाजवादी पार्टी कब्जे थे। जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, मोदी जी योगी जी के आशीर्वाद से आज मऊरानीपुर में नगर पालिका में कमल का फूल खिला है। तो इसमें जो हमारे साथीगण हैं, पार्षदगण हैं, हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि सबको सहयोग करके इस नगर के विकास के बारे में सोचना चाहिए, किस तरीके से हमारा मऊरानीपुर नंबर 1 नगरपालिका मऊरानीपुर बने। लेकिन जो भाजपा के विपरीत मानसिकता के पार्षद हैं वो ऐसा कर रहे हैं, जिसमें हमारे फिरोज खान जो पार्षद हैं, अभिषेक पाठक हैं, प्रेमपाल श्रीवास हैं, ये सब गलत कार्यों से जुआ सट्टा, आईपीएल और नई पीढ़ी को बर्बाद करके, गलत काम से पैसा कमा के, बेनामी संपत्तियां बना के, गलत तरीके से धन अर्जित करके आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। इन लोगों पे जांच करानी चाहिए प्रशासन को कि कैसे मऊरानीपुर में इतना बड़ा जुए का व्यापार, सट्टे का व्यापार और तमाम ऐसी चीज़ें, चरस गांजा अभी देखा है आपने। आज हमको अगर 7 महीने हुए हैं, हम लोग अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं, जैसा कि नगर पालिका 9 करोड़ के घाटे में थी, किस स्थिति में नगर पालिका में उन्होंने छोड़ा है, हम लोग उसको सही करने का प्रयास कर रहे हैं, तो 7 महीने में हमसे हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देने के लिए तैयार हैं। तो जो भी इन्होंने आरोप हम पे लगाए हैं, मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जाँच कराएँ, जिस तरीके से भी जाँच एजेंसी से कराना चाहें कराएँ, अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया है तो हमको सजा मिलेगी, लेकिन हम लोगों को स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए। भाई, 5 साल के लिए हम लोगों को चुना है जनता ने, 5 साल के बाद हम अपना हिसाब भी देंगे और जनता उसका मूल्यांकन करेगी कि हमने क्या विकास किया शहर में, हमने किस तरीके से काम किए हैं। लेकिन उसके पहले ये डिस्टर्बेंस अगर हम लोगों के साथ रहेगा
तो इससे नगर का विकास रुकेगा। हमारा प्रथम लक्ष्य है और मैं आप सभी पार्षदों भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमको जनता ने चुना है कि इस नगर का और वार्ड का विकास करें। ये फालतू की राजनीति में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता सब देखती है और 5 साल बाद उसका जवाब मांगेगी कि आपने अपने वार्ड में क्या काम किया, आपने अपने शहर में क्या काम किया है। तो इसी प्रकार से, और मैं सबका आदर करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, जो लोग भी इस शहर में विकास कार्यों में अपना सहयोग कर रहे हैं उनका मैं सम्मान करता हूँ। ऐसे हमारे पार्षद साथी हैं जो लोग मेरे सहयोग कर रहे हैं और उनकी अच्छी सोच है। तो यही सब विषय में हम आपको आज बताना चाहते थे। ये सब चीज़ें चल रही हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा के कोई फ़ायदा नहीं है उसको। अगर आपको जांच करानी है, जांच कराएं, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं उसमें। जो आपके चहेते थे, जो आपके साथ में रहे हैं, ऐसी क्या वजह रही कि जिनने आपसे दूरियां बनाने शुरू कर दी? देखिए, चुनाव में कई लोगों ने मेरा साथ दिया, मऊरानीपुर की महान जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, लेकिन अब सबकी कुछ ना कुछ अपेक्षाएँ होती हैं। जो जायज़ अपेक्षाएँ होती हैं उनको हम लोग पूरा कर सकते हैं और करते भी हैं। जनहित के कार्य होते हैं, किसी के कोई काम होते हैं, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कई ऐसी अपेक्षाएं होती हैं कि जो जनता के हित में ठीक नहीं है और नगर पालिका के हित में ठीक नहीं है। ऐसी जो डिमांडें होती हैं उनको हम लोग पूरा करने में समर्थ नहीं है और ना करेंगे, क्योंकि हमको जनता ने चुना है नगर के विकास के लिए, ना कि किसी व्यक्तिगत विकास के लिए। हम लोगों पर जो भी आरोप इन लोगों ने लगाए हैं किसी भी प्रकार के, तो मैं स्पष्ट आप लोगों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर हम लोग अब 20 सालों से इन लोगों ने जो कार्य किए, अभी तक इन लोगों से किसी ने हिसाब नहीं लिया, ना इन लोगों से हिम्मत थी किसी के हिसाब लेने की, हो रहे हैं। तो ये युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जिसकी प्रशासन को इन लोगों की जाँच करानी चाहिए और इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और इन अपराधियों को, ऐसे गलत कार्य करने वालों को, जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे यहाँ के वर्तमान विधायक डॉक्टर रश्मि आर, उनके परिवार के साथी, उनके भाई हरिश्चंद आर्य, हेमंत सेठ, जो खुद एक अपराधी किस्म के लोग हैं, वो इन लोगों को संरक्षण देते हैं, इन लोगों का सहयोग करते हैं, इनके लिए अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, तो इस तरीके से शहर का विकास रुकेगा और इन लोगों को बचाव करते हैं ये लोग। मऊरानीपुर एक बहुत समय से इनके परिवार के कब्जे में था और भाजपा के आशीर्वाद से हम लोगों ने ये मऊरानीपुर की जनहित की जो चुनाव था, जनता ने लड़ा और सबके सहयोग से चुनाव हम लोगों ने जीता है। ये हार इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस वजह से ये नगर पालिका में माहौल ख़राब करने का पूरा षड्यंत्र के तहत इनके करीबी पार्षदों से ये सब नाटक करा रहे हैं। और सोच में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, हम तो चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ नगर के विकास के मुद्दों में हमारा सहयोग करें, हमारा मार्गदर्शन करें। और तमाम अब ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग सार्वजनिक नहीं कह सकते, और इतने ही आपसे मैं